ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है, ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आते जाते नहीं है ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है किरदार साहब ने यहाँ आना शुरू किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो किरदार साहब के हाथ में होगा। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर का, अच्छा चलता बोला। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप इसे देख के आइए तो होगा कहा जाए कि बिल्कुल एक शहर के लोगों में क्या करेंगे, वो सिर्फ ये है कि कबाड़खाने में शहरों के सब नाम और पते एक जगह डाल दिए, अब वो खेचा तो उसमें नोट नहीं करना। कुछ दिनों पहले गुलजार साहब और जावेद साहब मुझे याद है कि और वैसे कोई और इस्तेमाल करे तो उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूर है कि मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि 116 की उम्र, और सच ये है कि मुझे गिनती नहीं आती थी, कहीं भूल गया। 116 नहीं थी वो, 117। अच्छा जी हाँ, मतलब ऐसा कोई मतलब गिनती में 116 नहीं 117 होंगे, नहीं तो 119 तो होंगे। एक साल में इतनी चंद्राते होती है, ये मतलब कई लोग मानी नहीं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि आप ये देखिए हमेशा जो वाकई अच्छे जैसे फैज और मजाज बेहतरीन दोस्त थे, या आप ये देखिए कैफी साहब और सरदार जाफरी, मतलब सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक वोकेशन में हैं एक काम में हैं तो आप दूसरे से जलने लगे। हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलेसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना तो अच्छा काम देखे वो तारीफ करें। मैं तो कितनी बार हुआ गुलजार साहब से पूछे कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे मिस हो गया, उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब का। मैंने इन्हें फोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा था, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं, और ये तो कमाल का अंतरा है, ये सही कह रहा हूँ गुलजार साहब। तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है।